नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डिलोस की तरफ से आने वाला 5.4.9.0 जो सेटअप बॉक्स है, जो कि एमपेग 4 के अंदर सपोर्ट करता है, उसके अंदर जो इसका बेसिक इंस्टॉलेशन है वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसका जो बेसिक मेन्यू का इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है यहाँ, और जो इसके अंदर पहले से ही कुछ चैनल वगैरह फीड आते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। जो ये चैनल लिस्ट है और यहाँ पे इस तरह से ये चैनल आते हैं लेकिन ये चलते नहीं है सारे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से सेट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैनल्स हैं उनको रिसेट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितने भी इसके जो पहले से सेटिंग इसके अंदर आती है उन सबको डिलीट कर दें। तो मैं एक बार आपको सेटेलाइट की लिस्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है। इसमें नीचे देखो सिग्नल्स जो है ग्रीन आने चाहिए। सबसे पहले आपकी जो ऊपर की छतरी है वो सबसे सही तरीके से सेट होनी चाहिए और यहाँ पे नीचे सिग्नल की स्ट्रेंथ वगैरह आनी चाहिए। अब समस्या ये होती है कि जो इसमें जो पहले से टीपी वगैरह फीड आती है उन टीपीज में क्या होता है कि जो पूरे चैनल हैं, जो कि पूरे चैनल हैं वो नहीं आते हैं। कुछ एक चैनल स्किप हो जाते हैं और कुछ एक चैनल हैं जो आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो इतनी भी जो टीपी हैं जो कि डीडी फ्री डिश के अंदर आपको लगानी चाहिए और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध होती है, वो इसमें आखिर कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमें यहाँ से बैक जाना है और मेन्यू प्रेस करेंगे। मेन्यू प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे जो चैनल लिस्ट जा रही है इसके अंदर डिलीट सेटेलाइट चैनल लिस्ट जानी पे जाना है और यहाँ पे हमें जो इनपुट पासवर्ड है वो 4 बार 0 प्रेस कर देना है। इस सेटेलाइट इंडिया को सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, ओके कर देना। अब हम जाके देखेंगे जो मेन्यू है इंस्टॉलेशन मेन्यू, उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है ये है सेटेलाइट और इस सेटेलाइट की सेटिंग राइट के अंदर है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जितनी भी टीपीज हैं इन सब टीपीज को भी डिलीट कर देना है। तो सेलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट करेंगे और डिलीट ऑल करेंगे और इसको एग्जिट बटन प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी टीपीज भी यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब मैं एक बार देखो आपको वापस इंस्टॉलेशन मेन्यू में आके दिखाऊं, तो यहाँ पे अभी सेटेलाइट लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है, सब कुछ एम्प्टी हो चुकी है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे सेटेलाइट ऐड करूंगा। तो सबसे पहले ब्लू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे सेटेलाइट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अभी जल्दी से इसको बस ऐसे क्यू क्यू कुछ नाम दे देता हूँ। आप चाहें तो डीडी फ्री डिश दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो चैनल का जो भी अपना जो सेटेलाइट है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। सेटेलाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी सेटेलाइट के अंदर एलएनबी की जो सेटिंग है उसके लिए हम राइट तरफ के बॉक्स में आएंगे, जो एलएनबी फ्रिक्वेंसी वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें नीचे की तरफ आएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे ये यूनिवर्सल 9750106000 इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये नीचे के दोनों ऑप्शन को डिसेबल रहने देंगे। अब यहाँ से हम एग्जिट प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी एलएनबी की सेटिंग हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, टीपी के लिए येलो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये देखो टीपी की लिस्ट यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ रही है। तो अबे हम क्या करनी है, हमें दूरदर्शन की ऑफिशियल साइट है वहां से कुछ टीपीज की लिंक है, की जो लिंक है या इसकी एक्सेल फाइल है या इसकी टेक्स्ट फाइल है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीपी ऐड करने के लिए मैं ग्रीन बटन प्रेस करूंगा और पहले जो फ्रिक्वेंसी है तो मैं एक बार फटाफट जो ये 14 टीपीज हैं इनको ऐड कर देता हूँ और इनकी लिस्ट में आपको नीचे टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन 14 टीपीज को पहले तो ऐड कर देना जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कैसे स्कैन करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं फटाफट इन टीपीज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जितनी भी ये 16 टीपीज हैं ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये 16 टीपीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे बैक जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे जो एलएनबी की सेटिंग है इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे जो टीपी है यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, जो फर्स्ट टीपी है अपनी लिस्ट में उसको यहाँ पे चाहे तो पोर्ट वगैरह ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन जो आ रहा है बटन मल्टी स्कैन का इसको यूज़ करना है और यहाँ पे ब्लाइंड की जगह यहाँ पे ऑटो स्कैन करके नीचे सर्च पे कर देना है। तो यहाँ पे अब ये जितनी भी अपनी टीपी थी सारे टीपीओ के जितने भी चैनल हैं उनको यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो इस तरह से जो सारे चैनल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी मदद करे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, टिल देन मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।